अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 138। और आज के इस लेसन में हम एक और 3D चैन विद हेल्प ऑफ डिफरेंट कमांड्स हम ड्रॉ करेंगे। और प्रीवियस लेसन में हमने एक जो चैन ड्रॉ की थी वो आपके बाईसाइकिल की एक या बाइक की जो चैन होती है वो थी। आज के इस लेसन में एक नॉर्मल सी सिंपल सी एक चैन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे हम और भी किस तरह के हम 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। ऑटोकैड को ओपन करता हूँ, इसके लिए मैं स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करूँगा। ओके, तो अब मैं एक चेन ड्रॉ करने के लिए मैं एक फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, या फिर आप यहाँ से एल एंटर करें, एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ई एल एंटर। ओके, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर, और इसी को अब मैं यहाँ से रिवॉल्व करता हूँ या स्वीप करता हूँ। सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, इसको स्पेस, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये अप्लाई हो गया। अब इसको देखने के लिए आप 3D व्यू में जाएं और यहाँ से आप इसको ये इलास्टिक व्यू में जाके देखें, तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास अप्लाई हो गया। ओके, तो सर्कल काफ़ी बड़ा है, तो सर्कल को थोड़ा छोटा करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे स्वीप कमांड अप्लाई करता हूँ। ओके, तो अब यहाँ से इसको 3D व्यू में ले जाके देखते, सही है। अब यहाँ पे जो काम करना है वो क्या है कि जिसको आप यहाँ से, ये तो मेरे पास अप्लाई हो गया, आप इसको मैं यहाँ से मूव करूँगा। और मूव करने के लिए मैंने काम जो करना है वो क्या है कि आप यहाँ से इसको कॉपी करें, सीपी एंटर, रोटेट करें इसको आर ओ, सॉरी रोटेट आर ओ टी, आर ओ टी एंटर, F8 फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, और उसको 90 पे उसको रोटेट कर लें। उसको मूव करता हूँ मैं, एम एंटर, F8 प्रेस करता हूँ, ओके। देखें यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। और अब मैं यहाँ से इसको इस तरह करता हूँ कि मैं F7 प्रेस कर गाइडलाइन को ख़त्म करता हूँ। देखें ड्रॉ हो गया। अब इसी को आप यहाँ से सिलेक्ट करें, दोनों को कॉपी, सी पी एंटर, और इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे लेके जाता हूँ। कितना आसान तरीका है, देखें चेन ड्रॉ हो रही है, देखें चेन ड्रॉ हो रही है। उसके अलावा अगर इसमें और भी काम सही तरह से आप ड्रॉ करते हैं, किसी पाथ में मूव करते हैं, तो मैंने आपको मेथड समझा दिया था कि आप किसी भी पाथ में अपनी चेन को किस तरह मूव करते हैं और किस तरह उस पर ड्रॉ करते हैं, तो वो भी आपको पता चल गया होगा उसका क्या तरीका है। तो उसके लिए मैं फॉर एग्जाम्पल एक आर्क लेता हूँ, पॉलीलाइन लेता हूँ, पी एल एंटर, बल्कि आर्क लेता हूँ, ए एंटर, एस पी एल, इसके ऊपर ये मूव कर सकते हैं अपने इस चेन को, कॉपी सी पी, ओके। देखता हूँ इस पे काम करेगी कि नहीं। तो उसके लिए आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से आप इसको जो है तो एरे पाथ एरे लें, दोनों को सिलेक्ट करें, स्पेस, इन दोनों को ग्रुप में डाल देता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, एक ग्रुप बनाता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ। और अब यहाँ से मैं पाथ एरे सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस, और ये एरे पॉइंट देता हूँ। अब यहाँ पे सही काम नहीं कर रहा, तो अपने यहाँ पे क्या करना है, बेस पॉइंट पे क्लिक करें और बेस पॉइंट आप यहाँ से इसको एरे पॉइंट दे दें। देखिए काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अब देखिए इस पर स्पेस अब कम कर लें। स्पेस कम करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 64 है तो 30 पे करता हूँ,
सेट ही तो आ गया लेकिन इस पे सही काम नहीं कर रहा। तो बेस पॉइंट मैंने सही नहीं दिया इसको। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक काम करने के बाद आप इसको खुद ही मैन्युअली आप इसको यहाँ पे इसमें डालते जाएं, मूव करें। एम एंटर, क्योंकि हर टाइम जो पाथ है होता है हर टाइम सही काम नहीं करता, तो उसके लिए आपने खुद भी काम करना है इस पे। एम एंटर, अभी जो काम हो गया आप इन चारों को सिलेक्ट करें। एम एंटर, इनको सेलेक्ट करें। एम एंटर, एम एंटर, एम एंटर, एम एंटर, एम एंटर, देखिए सर आप यहां से इसको मूव करते जाएं और आपका एक चेन बनती जाएगी। अब इन सबको सिलेक्ट कर लें, देखिए मूव करें। एम एंटर, सारे को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए तो एक चेन बनती जा रही है। एम एंटर, देखिए एक चेन यहाँ पे ड्रॉ हो गई है, देख सकते हैं। सारे को सिलेक्ट करते हैं। एम एंटर, कॉपी, सी पी एंटर, सी पी एंटर, देखिए तो यहाँ से आप इसको मूव करके भी ला सकते हैं, तो ये पूरी की पूरी एक चेन ड्रॉ हो जाती है यहाँ से। इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, कंट्रोल जेड, इसको थोड़ा सा मूव कर दें आगे। ले ले, देखिए तो हमारे पास एक चेन ड्रॉ हो गई है, देख सकते हैं। तो ये जी एक और मेथड था चेन ड्रॉ करने का। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।